So, very good morning everyone, and once again a very warm welcome in the session. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में. मैं हूं आप सभी की एजुकेटर शालिनी मैम और आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड. ठीक है, जस्ट अ सेक. ओके, सो एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे ही पेपर वन से रिलेटेड सारे ही यूनिट्स हम यहाँ पे कवर करते हैं. ठीक है, पेपर वन से रिलेटेड सारे ही यूनिट हम यहाँ पे कवर करते हैं. जो जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें क्योंकि सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को एक मोटिवेशन थॉट के साथ, दैट इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान नॉट द गोल. अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए, अपने प्लान पे वर्क करिए, अपना प्लान को चेंज करो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, लेकिन अपना गोल मत चेंज करो. बिकॉज आपका गोल, आपका ड्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको अचीव भी कर लोगे. ठीक है, समहाउ क्या होता है कि हम सभी गलत रास्ते चूज कर लेते हैं या फिर कोई गलत स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे होते. तो ट्राई टू चेंज योर प्लान, वर्क ऑन योर प्लान टू चेंज स्ट्रेटेजी इज नॉट गोल. ठीक है, बिकॉज द गोल्स आर अवर ड्रीम्स एंड वी हैव टू डू एंड अचीव दैट गोल. सो वर्क ऑन योर प्लान, ओके, डोंट चेंज योर गोल. सो हियर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आई एम योर एजुकेटर शालिनी मैम, हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स एंड स्पेशलाइज फॉर एनटीए यूजीसी नेट. सेकंड पेपर इंग्लिश है, हिंदी एंड इंग्लिश. डेली की टाइमिंग मेरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको 11 AM पे मिलेंगी एंड 4:30 PM पे मिलेंगी. जरूर ज्वाइन करिए. ठीक है, ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, वहां पे आप लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यूज रेफरल कोड SPNET टू गेट 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी और ये 12 अगस्त तक ये आपका सब्सक्रिप्शन का कोड वैलिड है. ठीक है, सो कोड ऑल टाइम आपको 10% ऑफ देगा, बट 20% ऑफ लेने के लिए आपको 12 अगस्त से पहले अपने आप को सब्सक्रिप्शन में ले आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो ऑल दीज आर अनअकैडमी रिलेटेड डिटेल्स, यू कैन सी दिस. सो आज हम टॉप मोस्ट MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, टॉप मोस्ट PYQs रिलेटेड टू NTA UGC NET पेपर 1 एज वेल एज MCQs फॉर अवर AMJRF दिसंबर 2023, है ना. सो बढ़ते हैं आगे. आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल को, है ना. तो सुनने की क्षमता को, उनकी लिसनिंग स्किल को, इनमें से कौन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, है ना, डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है. आपका ऑप्शंस है आप सभी के पास. ऑप्शंस है स्टूडेंट का प्रोटोकॉल, है ना, विद्यार्थी का प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, प्रशासनिक हित, स्पीड ऑफ द स्पीच, स्पीड स्पीच की स्पीड, या फिर टाइमिंग्स ऑफ द स्पीच, स्पीच की टाइमिंग, या फिर रीजनल असेंट. व्हाट विल बी द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर. सो गाइज, हियर्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव अ डायरेक्ट बियरिंग और नो ऑन और इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लिसनिंग एबिलिटीज, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती हैं स्टूडेंट्स के लिसनिंग एबिलिटीज को. कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपका ऑप्शन सी जो कि कहता है स्पीड ऑफ द स्पीच, तो ये कर सकता है. स्पीच की स्पीड अगर बहुत ज्यादा फास्ट होगी, क्या होगी, अगर बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो क्या होगा, स्टूडेंट्स उसको अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका एक बैरियर क्रिएट करेगा लिसनिंग एबिलिटी में. ठीक है, अब स्पीच की क्या हो गई, टाइमिंग हो गई. अगर हम टाइम से जो आपका जैसे कि टाइमिंग में क्या हो गया, जब बोलने में जो स्पीच आप पॉज ले रहे हैं, जो कॉमा ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर वो टाइमिंग वो डिले होगा ना, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी स्पीच की. और रीजनल एसेंट क्या होता है, क्षेत्रीय उच्चारण. अगर मैं अपने क्षेत्रीय भाषा में अगर उच्चारण करूं, सामने वाला मेरे बंदा या फिर मेरा जो लिसनर है अगर वो उस क्षेत्र का नहीं है, तो क्या वो उस शब्द को समझ पाएगा जो उस उच्चारण में यूज हो रहे हैं. सो ये एक बैरियर क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टी फाउंड कर सकते हैं टाइम के स्पीच में. सो ऑप्शन सी हेयर इज द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुअर लिसनिंग, ठीक है, पुअर लाइटनिंग, सॉरी, देयर इज अ पुअर लाइटनिंग और फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. ठीक है, अगर पुअर लाइटनिंग हो रही है, टेम्परेचर है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये किस टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर है? ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑप्शन बी फिजिकल बैरियर, ऑप्शन सी सिमेंटिक बैरियर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ठीक है, ओके गाइस, सो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है, फिजिकल बैरियर. ठीक है, साइकोलॉजिकल तो आपका मनोवैज्ञानिक बैरियर आ गया, सिमेंटिक रिलेटेड है लैंग्वेज से, लैंग्वेज से आपका सिमेंटिक बैरियर रिलेटेड है, ठीक है, लैंग्वेज से, और नन ऑफ द अबव इज नॉट. सो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल बैरियर, वो जो एक्सटर्नल बैरियर्स हो रहे हैं. अब लाइटनिंग कम है ना, तो लाइट अगर कम होगी तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप चीजों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो ये पुअर बैरियर हो गया. टेम्परेचर अगर बाहर का सही नहीं है, ठीक है, अब बारिश आ रही है या बहुत ज्यादा धूप है या एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ है, तो एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर अगर इन्फ्लुएंस हो रहा हो तो वो फिजिकल बैरियर में जाएगा. इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर सही नहीं है तो वो भी आपका फिजिकल बैरियर में जाएगा. सो पुअर लाइटनिंग, टेम्परेचर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके फिजिकल कम्युनिकेशन के, फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन के. सो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग डाटा इंक्लूड्स, अगर हम एक बिग डाटा की बात करते हैं तो वो क्या इंक्लूड करेगा? राइटिंग स्टाइल, ब्लैंक स्पेस, साउंड, इमेजेस या वर्ड्स. अगर बिग डाटा की बात करें, मतलब डाटा बड़ा होगा, डाटा बड़ा कब होता है? या तो देखो सबसे छोटा होगा बिट होता है, बिट से आपका जाएगा केबी में, केबी से एमबी में, एमबी से जीबी में, और जीबी से आगे बढ़ता ही जाएगा ऐसे. ठीक है, तो बिग डाटा मतलब डाटा बड़ा होगा, तो यहाँ पे बिट्स भी बढ़ेंगे, बिट से केबी में आएगा, केबी से एमबी में आएगा, एमबी से जीबी में आएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा. तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको इंक्लूड करने से डाटा बिग हो जाएगा? ठीक है, बेसिकली ये आपको बताना है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. ऑप्शन सी हेयर करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर, इंक्लूड करता है साउंड, इमेजेस और वर्ड्स. ब्लैंक स्पेस आपका बिग डाटा नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेस है तो कोई वर्ड उसमें नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो डाटा तो बड़ा होगा ही नहीं, और राइटिंग स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि शब्द को लिखने का तरीका डाटा को बढ़ाएगा नहीं. ठीक है, ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. ठीक है, राइटिंग स्टाइल जैसे कि राइटिंग टेक्निक हो गई, वो फॉल करती है कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में, तो ये रिफर करती है कि समवन कैसे राइट करता है और एक्सप्रेस करता है अपने आप को वर्ड्स में. तो राइटिंग स्किल, राइटिंग स्टाइल आपको राइटिंग स्टाइल कह रहा है. तो स्टाइल अगर आप इटैलिक में लिख रहे हैं, ठीक है, आप स्टाइलिक में लिख रहे हैं, बोर्ड में लिख रहे हैं, बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी स्टाइल यूज करें, तो स्टाइल वहां पे डाटा को बिग नहीं करेगा. ब्लैंक स्पेस ऑब्वियसली अगर वो ब्लैंक है, वहां पे कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, तो वो आगे डाटा को बड़ा नहीं बनाएगा. साउंड बनाएगा, अगर साउंड की क्वालिटी हो गई, बिग डाटा, ऑडियो एनालिसिस, स्पीच रिकॉग्निशन, म्यूजिक एनालिसिस, तो ये सभी साउंड की डाटा को बिग बनाएंगे. इमेज हो गया, इमेज में सच एज इमेज रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजुअल विजन एंड विजुअल एनालिटिक, सेम एज वर्ड. वर्ड एसेंशियल कंपोनेंट है डाटा को बिग करने के लिए. ठीक है, एज दे रिप्रेजेंट टेक्सुअल डाटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड, यूटिलाइज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस और टेस्ट माइनिंग हो गया, तो इन सभी के लिए वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. क्लियर है सभी को? क्लियर एवरीवन? ओके, मूव्स टू द अनदर क्वेश्चन. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं. स्टेटमेंट वन, फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर आर्टवर्क्स डू नॉट क्लैरिफाई एंड इनहेंस द विजुअल वैल्यू ऑफ द रिटन मैसेज मच. कह रहा है कि छाया चित्र, आलेख, ग्राफ, फिल्में और अन्य कलाकृतियां लिखित संदेशों के दृश्य मूल के अधिक स्पष्टता एवं संवर्धन नहीं करती हैं. ये कह रहा है नहीं कर रही हैं, डू नॉट क्लैरिफाई, इसको याद रखेंगे. और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बार ग्राफ्स, पाई चार्ट और अदर इंफोग्राफिक डिवाइसेस कैन नॉट रिप्लेस द मास ऑफ नंबर इन द प्रिंट. ठीक है, तो
बार आलेख, पाई चार्ट और कोई अन्य इन्फोग्राफिक उपकरण मुद्रण में संख्याओं की बहुमात्रा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये सही है कि नहीं है? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, तो आपका आंसर बी क्या है, सही है. ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर आर्ट वर्क इंडीड क्लैरिफाई एंड इनहेंस द विजिबल वैल्यू ऑफ द रिटन मैसेज. रिटन मैसेज के यानी लिखित मैसेज के क्लैरिफाई और इनहेंस करते हैं. अच्छा ठीक है, आप कोई लिखित मैसेज है, अगर आप उसमें फोटोग्राफ्स ऐड कर दो, ग्राफ्स ऐड कर दो, फिल्म्स ऐड कर दो या फिर कोई अदर वर्क आर्ट अगर आप ऐड कर दो, तो आपके लिखित मैसेज को वो क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेटिव है, ठीक है, वो अच्छे से उसको समझ जाएगा, है ना, विजुअल से. और अदर कोई ग्राफ है अगर हम उसको शो करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के साथ, तो आपका रिसीवर है उसको अच्छे से समझ जाएगा. यूजबल एलिमेंट आर ऑफ्टन यूज इन वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया टू कम्प्लीट एंड इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन. दे कैन प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट डाटा विजुअलाइजेशन एंड इवोक इमोशंस और इंगेज द ऑडियंस इन द डिफरेंट वे और रिटन टेक्स्ट अलोन. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वन की बात हो गई. स्टेटमेंट टू कह रहा है कि बार ग्राफ्स, पाई चार्ट और अदर इन्फोग्राफिक डिवाइसेस आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा विजुअल्स, सो दे आर इंटेंडेड टू रिप्लेस और सप्लीमेंट द मास ऑफ नंबर. तो क्या होगा, मास ऑफ नंबर भी बढ़ेगा इसमें इन प्रिंट एंड अवॉइड मोर कॉन्शियस एंड इजिली अंडरस्टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, जब पाई चार्ट, पैराग्राफ और इन्फोग्राफिक डिवाइसेस हम यूज करेंगे अपने डाटा में, तो मास ऑफ डाटा तो बढ़ेगा, मास ऑफ नंबर इन प्रिंट ये भी आपका इंक्लूड होगा, बढ़ेगा. तो दोनों ही ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एज दे कॉन्ट्रेडिक्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू एंड purpose of visual element in communication and data representation. So option B इसका correct है कि statement 1 और statement 2 दोनों ही क्या है, false है. Clear? Next question. People perceive the communicated message according to their, लोग communicated message को, है ना, लोग संप्रेषित संदेशों को किसके अनुसार देखते हैं, ऑफिशियल स्टेटस, आधिकारिक परिस्थिति के अनुसार, कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों के अधिकार, इमेजिंड इन्फ्लुएंसेस, कल्पित प्रभाव के अधिकार पे, या सिमेंटिक गैप्स के तौर पे देखते हैं. कैसे देखते हैं लोग एक कम्युनिकेटेड मैसेज को. ओके, सो आपका ऑप्शंस बी करेक्ट है. कल्चरल वैल्यूज, अपनी मान्यताओं के, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के तौर पे लोग उस संप्रेषित मैसेज को देखते हैं, उस कम्युनिकेटेड मैसेज को पढ़ते हैं. पीपुल परसीव कम्युनिकेटेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल वैल्यूज, वो अपने बिलीव्स, अपने एटीट्यूड और अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, विच इज टर्न इफेक्ट हाउ दे इंटरप्रेट द रिस्पॉन्ड टू द मैसेज. कल्चरल वैल्यूज कैन इंक्लूड बिलीव्स, उनकी मान्यताएं, अबाउट इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म, ठीक है, किसी भी एकीकृत कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस के बारे में, या अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड अदर डाइमेंशंस दैट कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन. तो वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजों को या कम्युनिकेटेड मैसेज को देखते हैं. देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेटर टू बी अवेयर अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस. तो एक कम्युनिकेटर को अवेयर होना चाहिए कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में एंड टेलर देयर मैसेजेस अकॉर्डिंग टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन. और अपने मैसेज को इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए कि मिस इंटरप्रिटेशन ना क्रिएट हो एंड मिस कम्युनिकेशन ना क्रिएट हो. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट. ऑप्शन ए, सी, डी आर इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटस, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस, सिमेंटिक गैप्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कम्युनिकेशन को एंड परसेप्शन को टू सम एक्सटेंट, बट दे आर नॉट एज सेंट्रल कल्चरल वैल्यूज. देखिए, ऑप्शन ए, सी एंड डी में भी जो था ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब एक केंद्रीय मुद्दे की बात आ रही होती है तो आपका कल्चरल वैल्यूज इसका केंद्रीय मुद्दा है, इन शेपिंग हाउ पीपल परसीव कम्युनिकेटेड मैसेज. सो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन. अगर एक सोशियो सोशियो है, यहाँ पे सोशियो लिखा है, तो सोशियो यानी सोशल, मान लो सोशल सामाजिक मनोवैज्ञानिक अगर बाधा आ रही है, ठीक है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधा आ रही है, तो ये किसका उदाहरण है? लैंग्वेज बैरियर का है, फिजिकल बैरियर का है, स्टेटस डिफरेंस का है, या फिर इमोशनल स्टेट का है. ठीक है, ये सभी पी वाई क्यूज हैं डियर लर्नर्स, ये सभी पी वाई क्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए, ठीक है, आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखेंगे. सो करेक्ट आंसर इज आपका स्टेटस डिफरेंस. काफी लोग इमोशनल में कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल आपका फीलिंग्स इमोशंस इन सभी से रिलेटेड है. तो ठीक है, आपका स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे सोशल भी है, अगर सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा आ रही है, समाज का कोई ऐसा दबाव है जिसके हिस्सा जिसकी वजह से मनोवैज्ञानिक बैरियर हो रहा हो, तो वो आपका स्टेटस डिफरेंस में आएगा. ऑप्शन सी लर्नर्स इसका करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. क्लियर, स्टेटस डिफरेंस कैन क्रिएट अ सोशियो फिजिकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिफरेंस. सोशियो साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक बैरियर कम्युनिकेशन में. व्हेन इंडिविजुअल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ पावर और स्टेटस, जब हर एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट लेवल ऑफ पावर होगा, स्टेटस होगा, सो इट कैन डिफिकल्ट फॉर दैम टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव. तो वहां पे वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, हर एक लोगों को समझने के लिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को डिफिकल्टी क्रिएट होगी. सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, इसका करेक्ट आंसर है. क्लियर, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हेन एनी सर्विस इज स्ट्रीम्ड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड, जब कोई भी सर्विस है वो स्ट्रीम हो रही है लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. अब वो पीपल लिमिटेड कैसे होंगे? वो पीपल लिमिटेड होंगे जब उन्होंने कोई ऐसी चीज को, कोई ऐसे ऑफर को ग्रैब किया होगा जो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए होगी. जैसे कि आपकी हो गई सब्सक्रिप्शन, हो गया है ना, तो सब्सक्रिप्शन कब होता है? सब्सक्रिप्शन जैसे कि सब्सक्रिप्शन आप किसी ने किसी चीज का लिया, जैसे कि ये जो हमारा कॉन्टेंट है इसके लिए आपको, फिलहाल तो ये लाइव है ना, फ्री है. अगर आपको इसके लिए कहा जाए कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल होगा जो सब्सक्रिप्शन वाले होंगे. सो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे किसके लिए होता है? मास के लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है. ठीक है, मास के लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए हो रहा है, जब पॉपुलेशन इसका यूज कर रही है. तो ब्रॉडकास्टिंग में आपका आ जाता है टीवी, टीवी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन टीवी देखती है, सभी लोग रेडियो सुन रहे होते हैं, तो ये प्रसारण पूरे हर एक जन संचार के लिए हो रहा है, पूरे जन के लिए हो रहा है. क्रोमिक कास्टिंग क्या होता है? क्रोम कास्टिंग होता है जब आप अपने फोन को, जैसे स्क्रीन स्क्रीन मिरर स्क्रीनिंग हो गई, ठीक है, क्या हो गया आपका, मिरर स्क्रीनिंग हो गई. मिरर स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आप अपने फोन को, ये आपका क्या है, मोबाइल है, आप इसे किससे कनेक्ट कर दे रहे हो? टीवी से आप इसे कनेक्ट कर दे रहे हो. तो आप अपने मोबाइल में जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके टीवी में शो हो रहा होता है ना, तो आपकी ये मिरर स्क्रीनिंग होगी, मतलब मोबाइल जैसी ही एक और स्क्रीन क्रिएट करना अपने ही फोन का, अपने आप को मिरर में देखना, सेम ऐसे ही अपने मोबाइल को टीवी में स्क्रीन करवाना, तो ये आपकी क्रोम स्क्रीनिंग हो गई. नैरो कास्टिंग होता है कि व्हेन एनी सर्विस इज स्ट्रीम फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, उसको नैरो कास्टिंग कहते हैं. और सिंपल कास्टिंग कुछ भी नहीं होता, ये आपको भ्रमित करने के लिए है. ठीक है, व्हेन एनी सर्विस इज स्ट्रीम्ड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इसको नैरो कास्टिंग बोलते हैं. याद रखना, सब्सक्राइबर्स ऑफ एनी पेड वीडियोस या फिर पेड स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैन वॉच देयर कॉन्टेंट्स, नॉट एवरीवन. इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं पेड वीडियोज के या फिर पेड स्ट्रीमिंग सर्विस के, वही इस कंटेंट्स को देख सकते हैं. सो ऑप्शन सी यहाँ पे विल बी अवर करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, कम्युनिकेशन में फ्रेमिंग के प्रोसेस है ना, वो किसके द्वारा मच इन्फ्लुएंस होगा? पॉलिटिकल ऑर्डर, स्कैपिस्ट टेंडेंसी, कल्चरल बैकग्राउंड या सिमेंटिक बैरियर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर डियर लर्नर्स?
सो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर होगा कल्चरल बैकग्राउंड. सेम यही, लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड है, लोगों का बिलीव है जो इंडिविजम एंड कलेक्टिविज्म के लिए, वो आपके फ्रेमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फ्रेमिंग कम्युनिकेशन में द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी, तो आपके कल्चरल बैकग्राउंड से होगी. अब देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिसको हम तुरंत ही हटा सकते हैं, जैसे कौन सी चीज हो गई, है ना, जैसे आपका बैरियर आ गया, बैरियर तुरंत के तुरंत कट जाएगा. ऑप्शन क्यों कट जाएगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बैरियर. क्या आपकी जो फ्रेमिंग है वो बैरियर की वजह से प्रभावित होगी, है ना, तो ये कट जाएगा आपका. एस्केपिस्ट टेंडेंसी यानी पलायनवादी, जो पलायन कर ले, जो चला जाए भाग जाए, उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस्ड होगा, गलत. पॉलिटिकल ऑर्डर की वजह से नहीं हो सकता, राजनैतिक व्यवस्था की वजह से हम फ्रेम अपने कम्युनिकेशन को नहीं करेंगे, तो बचा क्या, कल्चरल बैकग्राउंड बचा. सो कल्चरल बैकग्राउंड इसका करेक्ट आंसर है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन नोन एज फ्रेमिंग, ठीक है, मास कम्युनिकेशन को फ्रेमिंग कहा जाता है. इंफॉर्मेशन इज पैकेज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द पब्लिक बाय मीडिया. द आइडिया कंटेंट्स दैट इन ऑर्डर टू प्रमोट और कॉन्क्रीट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, द मीडिया प्रमोट्स पर्टिकुलर ऑकरेंस एंड पोजिशंस दाम इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड और फ्रेम्ड, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है और फ्रेम की जाती है इन कम्युनिकेशन, टू अफेक्ट हाउ पीपुल परसीव इट, और लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसको फ्रेमिंग कहा जाता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल बैकग्राउंड, और ये प्रोसेस किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है ज्यादा, कल्चरल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर, करेक्ट, क्लियर, ओके. क्वेश्चन नंबर 9 मैचिंग है, ध्यान से देखेंगे. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैच करनी है. कंटेंट इंफॉर्मेशन, रिलेशनल इंफॉर्मेशन, सोशल मीनिंग और सब्जेक्टिव मीनिंग. अब आपको इनके डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है. जल्दी से मैच करिए, आंसर बताइए. ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा. कंटेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्टफुल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए. रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो कम्युनिकेटर्स की फीलिंग होती है. जो रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेटर की फीलिंग होती है. आपका थर्ड है सोशल मीनिंग. सोशल मीनिंग को हमेशा कैसा होना चाहिए, ये शेयर्ड होती है. सोशल की कोई मीनिंग है, सामाजिक कोई अर्थ है, तो उसको आप साझा करते हो ना, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो आपकी सोशल मीनिंग आ गई. अब सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, विषयगत अर्थ क्या होना चाहिए. सब्जेक्टिव मीनिंग ऑलवेज पर्सनल, ठीक है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका क्या है, करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. क्लियर है सभी को. कंटेंट इंफॉर्मेशन फैक्टफुल होना चाहिए, हमेशा फैक्चुअल होना चाहिए. रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज पर्सनल रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन. और सोशल, सोशल का मतलब होता है, सोशल मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू द वाइडर एरिया. वाइडर एरिया में सोशल इंफॉर्मेशन को शेयर करना. सब्जेक्टिव इज अ टर्म दैट रिफर्स टू वंस पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग्स रिगार्डिंग किसी पर्सनल सब्जेक्ट मैटर के. तो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज अ पर्सनल इन नेचर. सो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन है आज का डियर लर्नर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एक की फीचर नहीं है, की प्रिंसिपल नहीं है. चलो जल्दी से बताओ, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, इंटरैक्टिविटी या कॉम्प्लेक्सिटी, स्पष्टता, संगति, अंतर क्रियाशीलता या जटिलता. तो नहीं है इनमें से. नेगेटिविटी आपको कहाँ दिख रही है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता में दिख रही है. जटिलता इसका करेक्ट आंसर है. क्लैरिटी में क्या होगा, चीजें क्लियर होंगी, कंसिस्ट होंगी, इंटरैक्टिव होगी, कि हम साझा कर रहे हैं, इंटरैक्टिविटी बनी है, आप क्लास में एक्टिव हैं, आप कम्युनिकेटर के साथ, अपने टीचर के साथ, स्टूडेंट एंड टीचर का इंटरैक्शन बना हुआ है, ठीक है. तो ये आपका होगा,
कंसिस्टेंसी आपकी होगी, क्लैरिटी होगी आपकी, बट जटिलता यहाँ पे नॉट में आएगा. सो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट नॉट यानी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इसका करेक्ट आंसर होगा. कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम शुड बी क्लियर. क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए. सो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर है. सो माय डियर लर्नर्स, थैंक यू सो मच, वेरी मच थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन. और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है. मिलते हैं आपको कल के सेशन में. और कल का हमारा जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अलग से हम PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे. सो जरूर से जरूर सेशन को ज्वाइन करिए इफ यू वांट टू क्रैक दिसंबर JRF. ठीक है, दिसंबर में आप JRF चाहते हैं 2023 में, तो जरूर जरूर हमारे बैचेस को लगातार देखिए, शेयर करिए, फॉलो करिए. तो फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मैं हूँ आप सभी की एजुकेटर शालिनी मैम, और आप सभी को NTA UGC नेट पे भी मिलेंगी. तो जरूर NTA UGC नेट के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगी. तो जरूर क्लास को ज्वाइन किया करिए और देखा करिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे. जय हिंद, जय भारत.